तालिबानी अंदाज में युवक को सजा देते पूर्व चेयरमैन के गुर्गों का वीडियो वायरल। नंगा कर गुप्तांगों पर प्रहार, जिले के तमाम ब्राह्मण इकट्ठा हो एसपी कार्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में मानवता को शर्मसार कर तालिबानी अंदाज में युवक को सजा देते हुए पूर्व चेयरमैन के गुर्गों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा नंगा करके बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसके गुप्तांगों पर भी वार किए जा रहे हैं। युवक को पीटने का आरोप करहल के पूर्व चेयरमैन भाजपा नेता संजीव यादव और उनके साथियों पर लगा है। वायरल वीडियो बीती 22 फरवरी का है। मामले में जिले के एसपी ने घटना की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो का मामला करहल थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां के निवासी शशांक चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए बीते 7 अक्टूबर को पहले फोन पर बदतमीजी की, उसके बाद 22 फरवरी को उसके साथ मारपीट की गई। किसी बात को लेकर भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन संजीव यादव के गुर्गों ने बड़ी बेरहमी के साथ नंगा कर उसके साथ मारपीट कर उसके गुप्तांगों पर प्रहार कर घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो सभी दबंग आरोपियों ने बना लिया था। भाजपा नेता और उसके वर्चस्व प्रभाव के चलते मामले में कुछ छोटी मोटी कार्यवाही कर मामला दबा दिया गया था। अभी 2 दिन पहले उसी घटना का वीडियो वायरल कर उसके साथ फिर मारपीट की गई। मानवता को तार तार कर वीडियो में दिखाई दे रही निर्दयता तालिबानी अंदाज में सजा देते आरोपियों के कृत्य देख जिले के ब्राह्मण समाज के नेताओं और लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की। पुलिस को मामले में प्रभावी कार्यवाही न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक? मामले पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा वीडियो दिखाया गया, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि करहल के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव द्वारा कुछ लड़कों को भेजकर मारपीट कराई गई है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। विवेचना में जो तथ्य निकल कर आएंगे उसी के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। चेयरमैन साहब बारे के बारे में क्या बता? चेयरमैन साहब के बारे में चेयरमैन साहब बारे में नहीं लिखे चेयरमैन साहब। 22 फरवरी 2022 को पूर्व चेयरमैन संजीव यादव और उनके गुर्गे को उसके भाई उनका लड़के लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी थी। हमारी नग्न अवस्था में उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने करहल थाने मुकदमा भी दर्ज कराया था। राजनीतिक दबाव बना के इन्होंने मुकदमा अपना धाराएँ कम कुछ करवा के अपनी चार्जशीट लगवा दी थी। उसके बाद इन्होंने कल फिर हमारे साथ मारपीट करी और लगभग 3 दिन पहले वो वीडियो भी वायरल कर दी थी। करहल में पूर्व चेयरमैन संजीव यादव भारतीय जनता पार्टी का कुछ व्यक्ति आए, उनके द्वारा एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि करहल के चेयरमैन जो हैं उनके पति द्वारा कुछ लड़कों को भेज के मारपीट करवाया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। विवेचन में जो तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शशांक चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति है, करहल में रहता है और उसके साथ कुछ महीने पहले मारपीट की गई थी। उसे उसके बाद भाई का उत्थान जगह के कपड़े उतारे, उसके गुप्तांगों में लात रखी, गर्दन में लात रखी, बड़ा ही जघन्य वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये हैरान होगा। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो पता लगा कि जैसा कि शशांक ने बताया कल उसे कुछ लोग उठा ले गए और पुनः वो वीडियो दिखाया
किया और उसी तरह की घटना की उसके साथ, और ये कहा हम 24 घंटे के अंदर तुम्हारी हत्या करा देंगे, इसलिए तुम शांत रहो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के अपराध कानून हाथ में जो लोग लेते हैं, योगी जी की सरकार है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलती, और उन्हीं की पार्टी के नेता जो बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है, इस तरह का अगर कोई घटना करेंगे तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही शर्मिंदगी वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी जरूर करते हैं कि ऐसे नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करें, और जो हमारे समाज के व्यक्ति के साथ घटना की गई है बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 72 घंटे में हम बड़ा रूप लेंगे और इसी तिकोनिया पार्क में आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश में इसकी आवाज़ उठाएंगे, हर जिले में इसके खिलाफ हम घटना। इस तरह की पहले भी आपके एक पत्रकार साथी के साथ भी घटना की थी पूर्व में, इस तरह की पहले भी ये घटना करते रहे हैं, अभी तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, इस वजह से इसका मनोबल बढ़ता रहा। एसपी ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए और हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बच्चा है शशांक चतुर्वेदी, उसके साथ ही नहीं एक शशांक चतुर्वेदी है, एक ऋषिकांत दुबे है, पत्रकारिता से जुड़े हैं ऋषिकांत दुबे, दोनों के साथ ही ये दबंग गुंडा प्रवृत्ति के चेयरमैन संजीव यादव द्वारा लगातार जानलेवा हमले किए जाते रहे हैं और ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित किया गया है। इस बार उसने वो वीडियो वायरल करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, पूरे मैनपुरी ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में ये खबर पहुंच चुकी है कि कोई दबंग चेयरमैन लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम कर रहा है। इस लड़के के मुंह में पेशाब की गई है, उसे नग्न करके मारा गया है, पूरा ब्राह्मण समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है। हमने आदरणीय एसपी साहब से, कमलेश दीक्षित जी से निवेदन किया है, समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग अपनी बात मजबूती से रख के आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज होगा और इस कथाकथित दबंग गुंडे चेयरमैन की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा आशुतोष ने, छोटे भाई ने कहा, मैनपुरी नहीं आसपास के जनपदों में भी ब्राह्मण समाज उद्वेलित होकर बड़ा एक विरोध प्रदर्शन रखेगा और जब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।